पंचायत के वार्ड 2 में सर्वसम्मति से वार्ड सचिव का चयन किया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड के अंतर्गत कुंडल 1 पंचायत के वार्ड 2 में वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड सचिव का चयन किया गया है। इस वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड सदस्य सरोज देवी के द्वारा की गई। उक्त बैठक में मौजूद वार्ड के लोगों ने सर्वसम्मति से कपिल देव यादव को वार्ड सचिव के पद पर चयन किया है। बैठक में लगभग वार्ड के सैकड़ों ग्रामीण लोग शामिल हुए थे। मामूरपुर विद्यालय पे पहुंचे हुए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा है। अच्छा, किस तरह चुनाव करवाए आप लोग? चुनाव यहाँ सर्वसम्मति से हुआ है। किनको चुने? कपिल देव यादव। इससे आप लोग संतुष्ट हैं? पूरा पूरा संतुष्ट है, पूरा वार्ड का जनता संतुष्ट है, इसलिए सिंगल चुना गया। कपिल देव यादव के अलावा और दूसरा कोई कैंडिडेट भी थे? नहीं नहीं, बहुत टाइम दिया गया कि कोई उम्मीदवार देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं हुआ। इस बैठक की सूचना आपको कब मिली थी? इस बैठक की सूचना मुझे कल मिला, सारे ग्रामीण को भी कल मिला था। कल मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णु देव यादव है। घर? मामूरपुर। पंचायत? पंचायत कुंडल। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 2। सचिव का बैठक हुआ था। कौन से पंचायत में? कुंडल 1 पंचायत। वार्ड संख्या 2। कैसे बैठक किया गया, किस आधार पर चयन किया गया? वार्ड मेंबर सूचना दिया था, जो हमारे कल में हम लोग को जानकारी हुई। अच्छा, अभी हमारा काम चल रहा था तो वहाँ कहने के आज हम आधी जो है सो 1 बजे का बैठक है, हम यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित होने के बाद 80-90 आदमी को देखे। अच्छा। और वार्ड सदस्य के मुख से यह भी बोला गया कि जो भी उम्मीदवार है वो अपना जो है सो उम्मीदवारी दे, लेकिन 80-90 आदमी के बीच में एक भी आदमी उम्मीदवारी देने के लिए नहीं तैयार हुआ। अच्छा। तो लास्ट में जो है सो हुआ, कपिल देव यादव को कुछ आदमी का आवाज़ आया जो कपिल देव यादव का चुना जाए, उस पर सर्वसम्मति से कपिल देव यादव को सब आदमी चुना। हम भी देखे, साथ में थे, तो कपिल देव आदमी को 90-80 आदमी जब सपोर्ट कर दिया तो हम भी अपना सपोर्ट कर दिए। उसका विरोध में कोई आदमी जो है सो खड़े नहीं था, तो हम क्या करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिथिलेश यादव। इस चयन से आप खुश हैं? हाँ, और चयन से समाज का विकास होगा, हम बस वही चाहते हैं, हमारा खुश है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज।